कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ मसरूफियात, बच्चों के पेपर्स वगैरह। इसमें आज हम बना रहे हैं हड्डी गुड्डी का सालन, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इसमें इतना नहीं है, बस ये कि इसको जितना पकाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये मैंने 2 किलो लिए हैं हड्डी गुड्डियाँ। इसे मैंने लिए बड़ा अदरक, ये कितना बड़ा, और इसे मैंने एक पूरा बंच जो होता है लहसुन का लिया, और एक प्याज लिया है। ये डाल देंगे। अच्छा, हल्दी डाल देंगे, क्योंकि हल्दी हम पहले, नमक नहीं डालिएगा, नमक बाद में डालिएगा। ये मैंने हाफ टी स्पून डाला है, आप लोग भी हाफ टी स्पून ही डालिएगा। और क्या कहते हैं, अब ये इसमें एक जग भर के पानी गया। अच्छा, ये जो है कम से कम 4 घंटे पकेंगी, 3 से 4 घंटे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकेंगी, स्लो फ्लेम पे पकेंगी ये। और क्या कहते हैं, जितनी अच्छी फ्लेम पे पकेगी ना, जितना अच्छा, और स्लो फ्लेम पे जितना अच्छा पकेगा उतना इसका टेक्सचर अच्छा आएगा, बिल्कुल पाई की तरह। फिर जब मैं पकाऊंगी इसको, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद, फिर वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। और अच्छा, इसमें बॉईल आ जाएगा ना, तो इसको पकने के लिए हम रखेंगे। अभी इसमें बॉईल नहीं आया है, मैंने फ्लेम तेज़ करा हुआ है। और क्या कहते हैं, जब बॉईल आ जाएगा अच्छी तरह, एक इसको ढक्कन ढक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे 3 घंटे तक के लिए, 2.5 घंटे तक के लिए। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो फिर मैं सारा बताऊंगी। ये हमारे देखें गल गए बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखें ये बिल्कुल गल गए सारे, बिल्कुल अच्छी तरह गल गए, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर, मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, और एक पाव दही है, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, और लहसुन अदरक है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के इसको हम दही में ग्राइंड कर लेंगे। दही में मैं 1-2 हरी मिर्चें डालूंगी, सिर्फ 1-2 से ज़्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्चों का। दही में ग्राइंड करेंगे, जब ये बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर हम फटाफट निकाल के ग्राइंड करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, वो मैंने यहाँ रखा नहीं, फिर मैं निकालती हूँ। साबुत गरम मसाला डालेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे किसी भी लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और लहसुन अदरक डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। फिर ये दही का जो प्याज का पेस्ट है वो डालेंगे पीस के, बस। ये देखिए, अब ये हो गया ना, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ सारा। ये सारा डाल दिया अच्छी तरह। ये मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। मेरी पिसी हुई लाल मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। आप लोग को ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा देख लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया 3 टेबल स्पून जाएंगे। अच्छा, हल्दी कम डालेंगे, क्योंकि हल्दी यखनी में भी डाल दी थी, इसलिए कम डालेंगे। नमक यखनी में भी डाला हुआ था, पहले चेक करेंगे नमक फिर डालेंगे। ये हल्दी थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये अच्छी तरह भुनाई होगी इसकी, भुनेगा फिर बस हम इसको इसके अंदर आ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भुन गया अच्छी तरह। अब मैं इसको इसमें ट्रांसफर,
देखें अब ये बिल्कुल तैयार हो गया सब कुछ। ये 2 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा, फिर इसको ढक्कन रख देंगे, फिर इसको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। ये मैंने सारे लवाजमात जो होते हैं प्याज हरी मिर्च अदरक हरा धनिया लीमू ये डाल के रखती हैं, बस अब तैयार हो गया है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है अब प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।